नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है और आज एक नई टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की टॉपिक है कि जो अभी न्यू 3 क्रिमिनल्स लॉ जो चेंज किए गए हैं, जैसे कि CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, इन सबको बदल दिया गया है। अब इनको कहा जाएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य 2023। तो ये तीनों में बदलाव कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम बेल बॉन्ड की बात करते हैं तो बेल कब मिलेगी और CRPC में बेल कब जो है अप्लाई की जा सकती थी और इसमें कितने दिन की पुलिस कस्टडी हुआ करती थी और अब कितने दिन की पुलिस कस्टडी होगी। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे इस वीडियो से बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको जो है आगे जानकारी इसमें मिलेगी। यदि आपको इस जानकारी को प्राप्त करना है तो मेरे इस वीडियो को तो ज़रूर देखना पड़ेगा कि भाई अब कितने दिन के बाद हम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पहले कितने दिन में हम अप्लाई कर सकते थे। तो इसमें जो बात है कि जो कस्टडी है, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसकी कस्टडी पहले कितने दिन के लिए पुलिस कस्टडी रहती थी, अब कितने दिन के लिए पुलिस कस्टडी रहेगी, यही सारी चीज़ें आप मैं इस टॉपिक में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं एक बार विनती करता हूं कि यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर इसी तरह की छोटी मोटी जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो कि कस्टडी जो आरोपी किसी भी नॉन वेलेबल ऑफेंस में पकड़े जाने के बाद वो कितने घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस करना है और उसके बाद में उसकी कस्टडी जो है वो कस्टडी के ऊपर निर्णय लेना है कि भाई इसकी कस्टडी कितने दिन के लिए बढ़ाई जाए और ये डिपेंड करेगा कि वो ऑफेंस क्या है। आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत ये डिसाइड करेगा कि उसका पनिशमेंट क्या है, वो ऑफेंस क्या है और उस आधार पे उस जो आरोपी है जो पकड़ा गया है उसकी कस्टडी डिसाइड की जाएगी। तो क्या इसी दरमियान जब तक वो पुलिस की कस्टडी में है तो क्या उसकी बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो यही चीजें हम और डिटेल में जानेंगे आगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों पहले CRPC में ये था कि जैसे आरोपी पकड़ा जाता है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता था। अभी भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी जैसे आरोपी पकड़ा जाता है उसके 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है उसे कि आगे की कस्टडी कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी और इसकी कस्टडी पुलिस को देना है या नहीं देना है, इस पे मजिस्ट्रेट निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो कस्टडी हुआ करती थी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन की कस्टडी जो है वो पुलिस के पास रहती थी कि 15 दिन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उस पे क्या प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस के ऊपर से उसकी कस्टडी डिसाइड होती थी। तो उसमें एक वर्ड था, फ्रेज है कि अदरवाइज देन पुलिस कस्टडी, यानी 15 दिन जैसे कंप्लीट होते हैं या 15 दिन से कम भी होती थी, 7 दिन की कस्टडी 7 दिन के बाद और 2 दिन की, 10 दिन 3 दिन बढ़ा दिए तो 10 दिन की कस्टडी हो गई, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन कस्टडी थी। तो 15 दिन के बाद जो है जो कोर्ट है वो अपनी कस्टडी में ले लिया करता था आरोपी को और जब वो आरोपी अपनी कस्टडी में यानी मजिस्ट्रेट की कस्टडी में जाने के बाद यानी जो है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता था। जब तक कि वो पुलिस की कस्टडी में है वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब ऐसा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कि इसकी जो कस्टडी है वो 40 यानी जिसमें 60 दिन है उसमें 40 दिन की भी कस्टडी बढ़ाई जा सकती है और जिसमें 90 दिन है उसमें 60 दिन की कस्टडी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कस्टडी है वो 60 दिन और 90 दिन की कस्टडी है इसके अंदर। यानी आरोपी जो अब है
पुलिस की कस्टडी में 60 से 90 दिन तक रह सकता है। तो दोस्तों इसमें एक संभावना बढ़ जाती है कि भाई अब टॉर्चर बहुत किया जा सकता है, टॉर्चर हो सकता है इसके अंदर, बोला नहीं जा सकता, क्योंकि 15 दिन में जब इतना टॉर्चर होता था तो अब ये जो 60 और 90 दिन की कस्टडी बढ़ाई गई है, दी गई है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर हो सकता है। जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में 60-90 दिन के अंदर जब तक मजिस्ट्रेट अपनी कस्टडी में नहीं ले लेता, तब तक वो आरोपी है वो बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता है। तो पहले की सीआरपीसी में 15 दिन का था, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में यह है कि अभी 60 से 90 दिन की मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टडी दी गई है, किसकी, पुलिस की कस्टडी में रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि पहले जो अदरवाइज देन इन पुलिस कस्टडी में था वो फ्रेज जो है वो भी हटा दिया गया है। तो ये कि ये कंफ्यूजन वाला मैटर है कि भाई 60 दिन और 90 दिन कंप्लीट होने के बाद किसकी कस्टडी में रहेगा ये बंदा, किसकी कस्टडी में रहेगा, पुलिस कस्टडी में ही रहेगा या मजिस्ट्रेट अपनी कस्टडी में लेगा। तो प्रॉब्लम यहां ये आ रही है, अभी देखो पहले आप 15 दिन के बाद एमसीआर हो गया, एमसीआर होने के बाद आपने बेल के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन अब आप 60 दिन जिसमें पनिशमेंट जो है मतलब जिसमें चार्जशीट फाइल करने का टाइम पीरियड है, जो अभी इसमें चार्जशीट भी फाइल करने का टाइम जो पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है, 180 दिन कर दिए गए हैं। पहले कैसा था कि 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है और चार्जशीट भी फाइल करनी है, 90 दिन में आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है और चार्जशीट भी फाइल करनी है, ये समय था, उसकी समय सीमा थी। लेकिन अभी इसमें क्या है कि 60 और 90 दिन की जो कस्टडी है वो कस्टडी है और उसके बाद में चार्जशीट जो फाइल करने का टाइम लिमिट है वो 180 दिन का है। कहने का मतलब यह है कि 60 दिन और 90 दिन के बाद वो आरोपी जो है अपनी बेल के लिए जा सकता है और बेल अप्लाई कर सकता है, 60 और 90 दिन तक वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगा 60 और 90 दिन में तभी वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये एक जो है बहुत इसमें मतलब मिसयूज होने की मतलब संभावना ज्यादा है कि इसमें जो आरोपी है जिसको पकड़ा गया है वो पुलिस कस्टडी में ही उसे टॉर्चर असॉल्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी इसमें क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर दीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, इसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।